दोस्तों आज के डेट में सभी लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, आपने देखा होगा और आपने ऐसा कई बार नोटिस किया होगा, आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हो जाता है भाई। जब आपके साथ होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। क्या होता है कि हम अपना फ़ोन कहीं पर रख देते हैं, या तो दोस्त मांगता है और सीधे व्हाट्सअप में जाता है और जो हमारी जीएफ की चैटिंग होती है या तो फिर जो पर्सनल चैटिंग होती है उसको देखने लगता है, जो सारे फोटो होते हैं उसको देखने लगता है। तो किसी किसी के इसमें अगर दोस्त है तो चलो भाई चल जाता है, अगर कोई दूसरा है तो फंस जाते हैं हम लोग। तो ऐसे में आज मैं आपको कुछ ऐसी हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ, आप अपने चैट में लॉक लगा सकते हैं। और अगर आप किसी का चैट परमानेंट हाइड करना चाहते हैं, परमानेंट बिना किसी एप्लीकेशन, तो आप उसको परमानेंट हाइड कर सकते हैं। और आपने देखा होगा अगर आप उसको परमानेंट हाइड भी कर देते हैं या तो आप चैट पे लॉक भी लगा देते हैं, तो जैसे आप नोटिफिकेशन को नीचे करते हैं, तो वहाँ पर मैसेज आ जाता है, ठीक है, मैसेज शो कर देता है कि इस बंदे ने मैसेज किया है, तो आप उस चीज़ को भी लॉक कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक, बहुत ही कमाल का तरीका बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूं अपने व्हाट्सएप में। अगर बात करें हम पहले ट्रिक की, तो पहला ट्रिक काफी कमाल का है। अगर मान लीजिए आपको किसी का चैट परमानेंट हाइड करना है, तो आप कैसे हाइड करेंगे? तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग में जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, मान लीजिए यहां पर एक सुनील का नंबर है, अगर मैं इसको आर्काइव करता हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह जो चैट है वह तो मतलब छिप गया है। अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि चैट आ चुका है, लेकिन अगर वह बंदा जैसे मैसेज करेगा या फिर दिखने लगेगा, तो आप इसको परमानेंट हाइड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि यह बाहर आ चुका है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर आपको चैट में आना है। चैट में आने के बाद में आपको यहां पर एक नया ऑप्शन मिल जाएगा आर्काइव चैट का, आप देख सकते हैं। तो यह बहुत से लोगों के फोन में अभी नहीं आया है, धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो आपको सिंपली इसको ऑफ कर देना है, ठीक है, ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद में फिर आपको बैक आना है। अब अगर आप यहां से इस नंबर को आर्काइव करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले ऊपर आ रहा था लेकिन अभी नंबर नीचे आ गया है। अब जब भी वो बंदा मैसेज करेगा डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे, इसके अंदर से जाके इसको बाहर नहीं लाएंगे, तब तक उसका मैसेज ऊपर शो नहीं करेगा। तो यह काफी कमाल का ऑप्शन आया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे फीचर की, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आपने चैट में लॉक लगा के रखा है, बहुत कुछ करके रखा है, लेकिन जब भी कोई मैसेज करता है तो ऊपर नोटिफिकेशन में यहां पर मैसेज शो कर देता है बंदे ने क्या मैसेज किया है। मान लीजिए आपका कोई प्राइवेट मैसेज है, तो जैसे नोटिफिकेशन नीचे करेगा सामने वाले को दिख जाएगा। तो आप उसको कैसे हाइड करेंगे, यानी दिखाएगा एक मैसेज, दो मैसेज, लेकिन यह नहीं शो करेगा कि बंदे ने मतलब क्या भेजा है, कोई मैसेज है या कोई फोटो है क्या भेजा, वह नहीं दिखाएगा। तो आपको उसके लिए करना क्या है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग में जाना है, अब आपको अकाउंट्स में जाना है, फिर आपको प्राइवेसी में जाना है, अब आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा फिंगरप्रिंट लॉक का। दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा देते हैं, तो जब तक आप लॉक नहीं देंगे मैसेज शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम लॉक लगा देते हैं फिंगरप्रिंट, ओके, अब आपको इमीडिएटली करना है, ठीक है, इमीडिएटली करना है और इसको ऑफ कर देना है, शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं आपको ऑफ कर देना है, ठीक है, बैक करना है। अब दोस्तों जब भी कोई मैसेज करेगा नोटिफिकेशन में, मैसेज तो दिखाएगा, दो मैसेज आया, पांच मैसेज आया, लेकिन किसका मैसेज आया है, क्या लिखा है, वह नहीं दिखाएगा। तो यह भी फीचर काफी कमाल का है। अब दोस्तों अगर आप किसी भी चैट पे लॉक लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई प्राइवेट नंबर है, आपने देखा होगा कई बार आपके फ्रेंड मोबाइल लेते हैं तो डायरेक्टली आपके चैट में चले जाते हैं, जो आपकी पर्सनल चैट होती है उसमें चले जाते हैं, तो आप एक एक चैट पर लॉक लगा सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजिली वहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ 9 MB की एप्लीकेशन है, फटक से इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि फाइनली एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहां पर एक पासकोड लगाना है, तो चलिए हम एक सिंपल सा पासकोड लगा लेते हैं। फिर आपको स्किप कर देना है, नहीं तो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो यहां पर एप्लीकेशन है, तो चलिए हम यहां से परमिशन दे देते हैं। फिर आपको बैक आना है। जैसे आप बैक आएंगे, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक प्लस का आइकन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमने फिंगर दे दिया। अब दोस्तों आप जिस भी चैट पर लॉक लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है।
तो आप देख सकते हैं कि हमने एक चैट को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉक है, आप यहाँ से इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, फिलहाल अभी लॉक है। अगर अब हम व्हाट्सएप में जाएंगे लॉक देते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा आप देख सकते हैं यहां पर लॉक मांग रहा है। जब तक आप लॉक नहीं देंगे तब तक जो आपका चैट है वह ओपन नहीं होगा। तो आप यहां से कई सारे चैट पर लॉक लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे मैं अपना अनलॉक कर देता हूं और अमन का लॉक कर देता हूं, अब चलिए मैं आपको व्हाट्सएप में लेके चलता हूं। तो आप देख सकते हैं अमन का लॉक दिखा रहा है, मेरा तो ओपन हो गया, लेकिन जैसे मैं अमन पर क्लिक कर रहा हूं आप देख सकते हैं कि लॉक दिखा रहा है। तो काफी कमाल के ट्रिक है, अगर आप किसी चैट पर लॉक लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों यह तीनों ट्रिक काफी कमाल की, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ट्राई जरूर करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे आपको जो सेटिंग बताया उसी तरह से करना है और एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है चैट पर लॉक लगाने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।